दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने पीसी या लैपटॉप से डायरेक्टली यूट्यूब पे वेबकैम लाइव स्ट्रीम आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों हम लोग जब भी यहाँ पर हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, लेकिन दोस्तों वेबकैम लाइव स्ट्रीम थोड़ा अलग है कि दोस्तों ये जो वेबकैम लाइव आपको किस टाइम पे आपको काम पे आता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए अपने यूट्यूब चैनल पे आप अपने पीसी या लैपटॉप से आप फेस कैम लाइव आप करना चाहते हो, तो उसी टाइम पे आपको यहाँ पर डायरेक्टली आप यूट्यूब से ही आप वेब कैम लाइव स्ट्रीम आप कर सकते हो। यहाँ पर बीच में आपको कोई भी सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनली यहाँ पर यूट्यूब से ही और अपने पीसी या लैपटॉप से ही आप काफ़ी आराम से वेब कैम लाइव स्ट्रीम आप कर सकते हो, डायरेक्टली यूट्यूब से हो जाएगा। दोस्तों वेबकैम लाइव स्ट्रीम करने के लिए सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड में आपको आ जाना है और यहाँ पर यूट्यूब को सबसे पहले ओपन कर लेना होगा अपना यूट्यूब चैनल का जो डैशबोर्ड है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अपना यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड मैंने यहाँ पर ओपन किया हूँ। तो आपको यहाँ पर लाइव वेबकैम लाइव करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो लाइव सेक्शन है अपने यूट्यूब चैनल पे डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको यहाँ गो लाइव का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो गो लाइव का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाता है। एक तो है आपको स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है और एक तो है वेबकैम का ऑप्शन मिलता है और एक है मैनेज का, जो भी हम लाइव स्ट्रीम करते हैं उसको हम शेड्यूल भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज मैं यहाँ पर वेबकैम लाइव करूँगा तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं वेबकैम पे हमने टच किया हूँ, ठीक है। तो वेबकैम पे टच करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल्स देना होता है, जो भी बेसिक सेटिंग है बेसिक डिटेल्स आपको देना होता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर टाइटल में आपको देना होता है जिससे रिलेटेड आप जो भी बातचीत आप करना चाहते हो जिस टॉपिक में, तो वो टॉपिक आपको टाइटल पे आपको लिख लेना है। उसी टॉपिक का थोड़ा डिटेल्स चाहे तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो और उसके नीचे आपको कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप बताएंगे कैटेगरी हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, दोस्तों एग्जांपल अगर आपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने बताएंगे तो आप टेक्नोलॉजी आप रिलेटेड आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, या तो आप थोड़ा एक्सपोर्ट से रिलेटेड आप बताएंगे तो उसको सिलेक्ट कीजिए, या तो आप कॉमेडी या तो इंटरटेनमेंट या तो गेमिंग म्यूजिक न्यूज़ जो भी रिलेटेड आपने बताएंगे लाइव स्ट्रीम पे, तो वो आपको जो कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। एक सिंपल मैं लाइव कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं सिंपल यहाँ पर पीपल एंड ब्लॉग्स में मैं सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ से आप अगर आपके थंबनेल बना हुआ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अन्यथा आप दूसरा थंबनेल भी आप लगा सकते हो, वो मैं आगे का वीडियो में बता रहा हूँ। प्लेलिस्ट को मैं फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ। तो इसके नीचे आपको और एक सेटिंग मिल जाता है, येस मेड फॉर किड्स, इसको भी आपको सिलेक्ट करना है। येस हो तो येस, अगर नो हो तो नो पे सिलेक्ट करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर नो पे सिलेक्ट किया हूँ। उसके पास शो मोर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर अगर आपके पेड प्रमोशन आप लाइव करना चाहते हो तो इसमें आप टिक, यहाँ पर मैं राइट चिन्ह लगाइए, यहाँ या तो कोई पेड प्रमोशन लाइव नहीं है तो इसको आप छोड़ दे सकते हो। दोस्तों अभी इसके बाद थोड़ा नीचे आऊँगा, यहाँ पर आपको टैग मिल जाता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पर टैग मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ। अगर आपको टैग लगाना है तो लाइव जिस रिलेटेड है आप टैग लगा सकते हो, फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पर है स्ट्रीम लैंग्वेज, तो हम जो भी लैंग्वेज में हम स्ट्रीम करेंगे जो भी लैंग्वेज में हम बातचीत करेंगे वो लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर हिंदी में बात करूँ तो हिंदी लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट किया हूँ। तो बहुत ही बेसिक सेटिंग है जो कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, चाहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये सब सिलेक्ट करने से यही अच्छा होता है, सबको पता चल जाता है कि ये जो लाइव हो रहा है इससे रिलेटेड जो कि लाइव हो रहा है। और इसके बाद रिकॉर्डिंग लोकेशन आप चाहे तो यहाँ से दे सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पर स्किप करूँगा। फिलहाल दोस्तों इसके नीचे आपको मिल जाता है लाइसेंस, तो मैं लाइसेंस में आप क्रिएटिव कॉमन्स आप रखना चाहते हो या स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, तो मैं स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस से रखूँगा। और अगर आपने क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस रखेंगे तो ये जो आपके लाइव वीडियो है सभी लोग यूज़ कर सकता है क्योंकि आप परमिशन दे रहे हो, ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड लाइसेंस ही रखता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बताया, बस हो चुका है जो लाइव के संबंध में बारे में यहाँ पर बताना था, मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ यूट्यूब को। इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। और दोस्तों मैंने यूट्यूब को तो बताया हूँ, उसके साथ साथ पब्लिक को भी पता चल जाएगा क्योंकि टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सब देखे पब्लिक को भी पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया हूँ तो आपको कस्टोमाइज का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ओनली आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आपको बचता है, एक तो है जो भी आपके लाइव होगा क्या ये प्राइवेट रहेगा या अनलिस्टेड या पब्लिक, तो मैं यहाँ पर पब्लिक करूँगा। और इसके बाद यहाँ पर शेड्यूल भी आप कर सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पर शेड्यूल नहीं कर रहा हूँ, अभी सिंपली पब्लिक करके मैं यहाँ पर डन पे क्लिक करूँगा। और दोस्तों डन पे क्लिक करते ही हमारे पास जो भी यहाँ पर सेटिंग है, जो भी कैमरा सेटअप है, जो भी हमारा माइक सेटअप है, वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो कैमरा का ऑप्शन है, तो कैमरा ऑप्शन में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास है लॉजिटेक का वेब कैमरा है,
तो अगर आपके लैपटॉप में या पीसी में बिल्कुल कैमरा लगा होना चाहिए, ठीक है, तब भी तो आपको यहाँ पर कैमरा शो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लॉजिटेक का कैमरा है वेबकैम, तो मैं इसमें लॉजिटेक का कैमरे में टच करूँगा। तो दोस्तों अभी हमारा जो भी कैमरा है ऑलरेडी कैमरा यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सामथिंग इज रॉन्ग दिखा रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर OBS में जाके ऑलरेडी यहाँ पर जो कैमरा लगा हुआ है इसी कैमरा को ऑलरेडी मैं बंद कर लेता हूँ। मैंने कैमरा को ऑफ कर दिया हूँ। तो अभी यहाँ पर लॉजिटेक का कैमरा पे मैं यहाँ पर टच करूँगा और यहाँ पर देख सकते हो टोटल यहाँ पर लॉजिटेक का कैमरा यहाँ पर यूज़ हो रहा है अभी यहाँ पर यूट्यूब पे लाइव करने के लिए। तो इसके नीचे आपको मिल जाएगा डिफॉल्ट में जो कि माइक्रोफोन, जो भी हमारा डिवाइस में माइक लगा हुआ है वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे पे यहाँ पर जो भी USB कंडेंसर माइक को मैं यूज़ करूँगा, तो इसमें हम टच करेंगे और यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ से आपको यूट्यूब पे थंबनेल लगाने का दो ऑप्शन आपको मिल जाता है। एक तो है आप अपलोड कर सकते हो कस्टम थंबनेल को, और एक तो है रीटेक थंबनेल पे आप टच करके टोटली एक थंबनेल आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने एग्जाम्पल मैंने एक फ़ोटो मैंने खींचा हो, ठीक है, तो जैसे तैसे हुआ है लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी सिंपली लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको गो पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने गो पे क्लिक करेंगे तो आपके जो यहाँ पर लाइव है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फाइनली दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि यहाँ पर लाइव जो कि हो रहा है, और वैसे भी यहाँ पर तो गाइस लाइव यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है अभी। तो दोस्तों एक बिल्ली कहाँ से आ गया था, वो बिल्ली ने काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, पता नहीं गाइस। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर लाइव हो रहा है। दोस्तों जो भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पर जो भी कमेंट करेगा तो इस साइड में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इस तरह से बहुत ही आसान से हमने अपने यूट्यूब चैनल पे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, अपने PC हो या लैपटॉप से बहुत ही आसानी से अपने वेबकैम लाइव हम कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यही था कुछ वीडियो, लाइव स्ट्रीम को एंड करना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। लाइव स्ट्रीम को एंड कैसे करते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। वैसे भी वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना। ये जो लाइव स्ट्रीम का जो पार्ट है आपको उसी टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कम लगता है, बहुत सारा टाइप से आपको काम पर लग सकता है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया हूँ। इस चैनल पर नया है चैनल को जो सब्सक्राइब भी करके साइड में बेल आइकन करके दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले। और वैसे भी आपको और भी कैसे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। फिलहाल के लिए लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे यहाँ पर लाइव स्ट्रीम खत्म हो चुका है तो हम यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को बंद करेंगे। तो लाइव स्ट्रीम को बंद करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो एंड स्ट्रीम है एंड स्ट्रीम पर हम टच करेंगे और यहाँ पर एंड पर और एक बार हम टच करेंगे और फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रीम है यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ से एडिट कर सकते हो, यहाँ से एडिट कर सकते हो और यहाँ से आप डिसमिस भी कर सकते हो। मैं यहाँ से डिसमिस कर दिया हूँ। तो गाइज इस तरह से बहुत ही आसानी से अपने YouTube चैनल पे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने YouTube पे फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो अपने PC या लैपटॉप से तो हो सके यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना YouTube पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए अपना जो YouTube चैनल है उसको मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना होता है। कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, कुछ मतलब रूल्स रेगुलेशन होता है, उसको अगर अपने फॉलो करते हो तभी जाके आपके लाइव स्ट्रीम को YouTube वालों ने वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है अगर अपने अपील करेंगे, फिर उसके बाद आपको थोड़ा 24 घंटा आपको टाइम लग सकता है, 24 घंटे या तो 48 घंटा भी टाइम लग सकता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है स्टार्ट, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट टाइम अगर आपने कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो सकता है तो इसलिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखें काफ़ी आराम से कैसे आपको मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना होता है और कैसे आपको लाइव स्ट्रीम को फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करना होता है वो मैं आपको बताया हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आइडिया स्टार्ट ग्रुप और भी मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो, मैं काफ़ी टाइम एक्टिव रहता हूँ। ओके थैंक यू, टाटा, गुड बाय।